हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्टैक्स। आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग गेस करके बताना कि वो क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। चलो गाइस, मैं ही बता देता हूँ कि वो क्या है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग खरीद या बेचते हैं स्टॉक्स को। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आके साथ में स्टॉक्स खरीद कर पब्लिक शेयर में बेचती है। तो अब आप लोगों ने ये तो जान लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि टाटा मोटर्स के स्टॉक मार्केट कितने हैं, प्रोडक्शन फिगर और कार प्रोडक्शन के बारे में। टाटा मोटर्स को जमशेद जी टाटा ने 1945 मुंबई में शुरू किया था और तब उसके चेयरमैन थे JRD टाटा। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में हुआ था। पहले टाटा मोटर्स का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था। इसे सितंबर 24, 1960 में नाम गया था। और हमारे अभी के टाटा मोटर्स के मालिक हैं रतन टाटा। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। और अब हम इस वीडियो के मेन पार्ट पे जाएंगे। इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के मार्केट कैपेसिटी कुछ इस तरह से 212.744 करोड़, और पिछले 5 साल की मार्केट वैल्यू इस तरह से है। January 8, 2017 में इसकी वैल्यू थी 466.50 थी, और January 4, 2019 में 170.95 थी। January 3, 2020 में 191.10 थी। January 1, 2021 में 186.50, और July 7, 2021 की, मतलब इस मंथ की मैं वैल्यू बताने जा रहा हूँ, वो थी 316.90। मतलब इस कंपनी को पिछले 5 सालों में इसकी वैल्यू घटी भी है और ज़्यादा भी हुई है। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। यहाँ स्क्रीन पे जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय -1.02% ओवर लास्ट क्वार्टर। इसका मतलब है कि इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग -1.02% ज़्यादा हुई है लास्ट क्वार्टर में। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं चार्ट है ना, वही है। और जहाँ तक बात है CONS की, बताता है कि कंपनी की रेशियो कितनी है इसकी इक्विटी के बारे में और इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके मुताबिक कंपनी के पास लोअर रेशियो है और कंपनी ने एक पूर सेल्स ग्रोथ हुआ है -1.76% पीछे 5 साल में। लेकिन अब तो इस कंपनी की शेयर्स आसमान छू रही है। इसे टाटा मोटर्स के ईयर इनकम है $34.7 बिलियन। हमारे इंडियन करेंसी के मुताबिक कुछ 2.6 ट्रिलियन होंगे। इस कंपनी के लिए इस साल प्रमोटर्स 46.41% है, और इसके कैश फ्लो इन मार्च 2021 में है 220। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फिगर्स के बारे में। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स इस साल पैसेंजर व्हीकल प्लस लाइट कमर्शियल व्हीकल कितने प्रोड्यूस करेंगी और पिछले साल कितने बना चुकी है। पिछले साल पैसेंजर और लाइट कमर्शियल व्हीकल दोनों को जोड़कर कुछ 50,742 व्हीकल्स हुए थे, और इस साल 165,576 व्हीकल तैयार हुई है। और हाल ही में टाटा मोटर्स ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक नया कार लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा जैगुआर लैंड रोवर। आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हूँ, देखिए। और मिस्टर गंतर बर्चक ने, जो टाटा मोटर्स लिमिटेड के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक नया प्लान लॉन्च करेंगे जिसका नाम है होलिस्टिक बिजनेस एजिलिटी प्लान। ये कंपनी की बिजनेस इंटरेस्ट, कस्टमर, डीलर एंड सप्लाइज की रक्षा करेगा, और वो उनके स्टाफ को उनके ही फैक्ट्री में वैक्सीनेशन कराएगा। और एक और बात गाइस, टाटा मोटर्स एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आपको कार्स खरीदना है तो इसी कंपनी से खरीदना, स्टॉक्स इन्वेस्ट करना। गाइस, अब थैंक यू जो आपने मेरा वीडियो देखा, मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और आपके फ्रेंड्स को भी बता देना सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।